होनी, ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होनी, ये चीजें आपको बहुत जरूरी हैं। जैसे एक फौजी कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, वैसे ही एक आर्टिस्ट भी कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। एन आर्टिस्ट इज 24/7 ऑन ड्यूटी। कुछ नहीं कर रहे हो तो ऑब्जर्व कर रहे हो आप दूसरे को देखो। एक फैमिली में आप 4-5 मेंबर होते हो, और नहीं भी है कोई फैमिली, आपके ऑफिस में तो कम से कम आप 4-5 लोगों से घिरे हुए होते ही हो ना। एक आपका बॉस होता है, एक आपका सबॉर्डिनेट होता है, एक आप होते हो, एक आपका कुलीग होता है। 4 बंदे तो आपकी लाइफ में वहाँ पर भी हैं, तो नाटक तो वहाँ भी चल रहा है। घर में भी माँ बाप, बेटा बेटी इतने भी अगर हैं, दादा दादी और मिला लो, चाचा चाची, ताया ताई, ये सब मिला लो, तब तो आराम से एक नाटक की स्क्रिप्ट तैयार है। वो एक नाटक वहाँ भी हो रहा है आपका। सिमिलरली नाटक में, वही मैं तो बोल रही थी कि नाटक में कुछ अलग नहीं होता है। नाटक में इस दुनिया से अलग कुछ नहीं होता, और नाटक में जो हो रहा है वो इस दुनिया का ही होता है। दोनों जगह सेम होता है। आपको रूल्स दोनों जगह सेम अप्लाई होते हैं। शुरू में हमको कॉपी करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। वो होता है कि फेक इट टिल यू मेक इट। शुरू में तो एज इट इज ग्रैस्प करना पड़ता है। उसके बाद व्हेन वी प्रैक्टिस दैट थिंग, देन वी कम टू अंडरस्टैंड, देन वी कम टू फील दैट अबाउट दैट, कि अच्छा ये है। क्योंकि थिएटर सिर्फ फील करने की चीज है। एज मच एज आई विल फील, आई विल मेक अदर्स फील इट। एज मच एज आई विल फील, आई विल बी मोर एंड मोर कन्विक्टेड अबाउट इट। मुझ में कन्विक्शन पावर आती जाएगी, कन्विक्शन पावर से कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस से मैं सामने वाले के सामने जो प्रेजेंट करूंगी वो उस तक डेफिनेटली पहुंचेगा। इसलिए पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू लिसन, टू सी केयरफुली। ये जितनी अपनी इंद्रियां दी हुई है ना, वो इसमें बहुत काम आती हैं। बिकॉज योर ऑल दीज 5 सेंसेस आर गोइंग टू क्रिएट मेमोरी, और उसी मेमोरी को लेकर हम थिएटर करते हैं। थिएटर इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। क्या था, मैंने आपको बोला नॉर्मल चलो जैसे आप चलते हो। ये जो हथेली है, इस हथेली के ऊपर सेट बनाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्चुअली इस हथेली के ऊपर बना रहे हो। इसका मतलब है गिवन स्पेस, आपको जितना भी स्पेस जी दिया जाता है, आपको अपनी पूरी दुनिया उसी में बनानी होती है, उसी में आपको मान के चलना होता है। ये मेरा किचन है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा बेडरूम है, वो मेरा पार्क है। इसलिए ये मोमेंट वाली एक्सरसाइजेस ज़रूरी हैं, और उस फील के साथ कि मैं कुछ स्पेशल हूँ या मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं नॉर्मल चल रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। फिर धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ ताकि उससे मेरी बॉडी वो हो जाए, एक बिलोंगिंगनेस उससे एस्टैब्लिश हो जाए, एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाए। वहाँ पर स्टेज पे, नाटक में, थिएटर में आपका रिश्ता सिर्फ सजीव चीज़ों के साथ ही नहीं होता है, निर्जीव चीज़ों के साथ भी होता है। मेरी चेयर, मेरा ये झूला, मेरी ये चेयर, मेरी वो डाइस, मेरा ये लैपटॉप, मेरा ये स्टूल, मेरा ये मोबाइल, ये सब कैरेक्टर्स हैं।
और जब तक ज़रूरत नहीं है मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती स्टेज पर। हाँ, किसी मेरे को सीन में कुर्सी उठा के फेंकनी है तो वो सीन की डिमांड है, तभी वो होगा, अदरवाइज सेट पे लगा हुआ कोई सामान हिलाया भी नहीं जाता है। इसलिए ये चीज़ें करनी है, मतलब करनी है बस। इनका धीरे 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 आगे की सीन में काम आता जाएगा। ये जो दोनों कहानियाँ आप लोगों ने बनाई है, एक बिना सेंस से शुरू हुई और एक कुछ सेंसिबल, एक आप लोगों को कुछ मैंने पहले से आइडिया देकर रखा था, ठीक है। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? अगर आपके साथ वाले कैरेक्टर को याद नहीं आ रहा है तो आपको किस तरीके से उसको लाइन पे लाना है और नाटक को आगे बढ़ाना है, ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। इस वजह से ये एक्सरसाइजेस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। इम्प्रोवाइजेशन उस केस में इम्पॉर्टेंट होता है, और लेकिन इम्प्रोवाइजेशन के भरोसे हम नाटक नहीं छोड़ सकते हैं। इम्प्रोवाइजेशन इज मैटर ऑफ एक्सपर्ट, जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनके उनका वो फोर्टे है ये एक तरीके से, क्योंकि जो बिल्कुल मंझे हुए कलाकार होते हैं उन लोगों वो सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं। इम्प्रोवाइजेशन जो है ये आपको लाइफ में भी फेस करनी पड़ती है। लाइफ में भी कभी कभी कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड आ जाता है कि चाहे नॉनसेंस से शुरू होता है फिर भी एक कहानी बनती है, या गिवन सिचुएशन सेंसिबल चीज़ से शुरू होता है तब भी एक कहानी बनती है। कहानी बनती है, एक नाटक बनता है, हर हाल में हर जगह एक नाटक बनता है। इसलिए नाटक लाइफ का पार्ट है और लाइफ नाटक का पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर है, मिरर इमेजेस। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं आज का हमारा क्या क्या हुआ है। आज का पहला हमारा जो मेन था टंग ट्विस्टर्स, सारा मगअप करना है। फिर आपको मोनोलॉग सबको अलग अलग मिल चुके हैं, वो आपको रट के कल मुझे सुनाने हैं। एक प्लान्ड वाली, एक अनप्लान्ड, एक प्लान्ड वाली, ठीक है। इतना आपको करना है। और पांचवी एंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ इज जो आपको मैंने वो फुल बॉडी वाली एक्सरसाइज बताई है, वो फेशियल एक्सप्रेशंस भी उसमें आते हैं, अलग से नहीं है फेशियल एक्सप्रेशन। वो फेशियल एक्सप्रेशन, ब्रीदिंग वाले के हाथ से निकालने वाली आवाज़ और बॉडी पूरी यूज़ करने वाली, वो तीनों को क्लब करके एक एक्सरसाइज बनती है। लेट अस साइन आउट, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।